राम राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना भाई नितिन चंदीला, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पे नितिन चंदीला। तो भाइयों आज है 26 जनवरी, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी है, 3-4 एक्टिविटीज़ करेंगे। तो सारी सोच रहे थे एक व्लॉग बना लूँ, तो पहले करेंगे अपना मेन वर्कआउट, दूसरा अपन लोग जाएंगे क्रिकेट खेलने, तीसरा एक छोटा सा इवेंट है नोएडा साइड, तो वहाँ पे जाएंगे, तो आपको सारा सब कुछ अपना दिखाएंगे। उससे पहले मैं अपनी लूँगा डाइट, आप लोगों को पता ही डाइट में क्या लेते हैं वो सब। तो चलो चलते हैं जिम। तो गाइस जिम जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कॉम्पिटिशन के बाद मेरा जैसे कि वेट बढ़ चुका है और हैवी वेट ट्रेनिंग करने से जॉइंट्स पेन हो सकता है, तो मैं थोड़ा बहुत दर्द पेन फील कर रहा हूँ। इससे पहले ज़्यादा आगे बढ़े मैंने कुछ सप्लीमेंट्स ऐड किए हैं जो मेरी जॉइंट की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। मैंने फिश ऑयल ऐड किया है, फिश ऑयल पहले मैं कभी कभार लेता था लेकिन मैं अब रेगुलर ले रहा हूँ, और मैं न्यू हर्ब का फिश ऑयल यूज़ कर रहा हूँ अभी। और अब मेरे बहुत से भाई पूछेंगे न्यू हर्ब का ही क्यों, तो न्यू हर्ब का इसलिए क्योंकि मुझे इसमें 2500 mg फिश ऑयल मिलता है। डीप सी फिश ऑयल में आपको सिर्फ ओमेगा 3 नहीं, विटामिन ई एंड विटामिन डी के एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है। ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड ये लेमन फ्लेवर में भी आता है, सो आपको फिश ऑयल का टेस्ट नहीं आता। मैं फिश ऑयल मेनली अपने जॉइंट सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बट इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिससे हमारी बॉडी सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। और आपको मालूम है कि फिश ऑयल आई हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ में भी बहुत हेल्पफुल होता है। फिश ऑयल हमारी मसल बिल्डिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि हमारी बॉडी का इन्फ्लामेशन कम करता है, और हम आफ्टर वर्कआउट मसल रिकवरी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस बेनिफिट्स काफ़ी हैं, एंड बेस्ट चीज़ है कि फिश ऑयल 18 प्लस से लेके सब बड़े इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो मैं इसके नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हो। अब चलो चलते हैं सीधा जिम। तो भाई अपनी मील आ चुकी है, देखिए 8 अंडे की ऑमलेट और ये जूस। तो ये अपनी मील 8 अंडे की ऑमलेट है, जूस है, और आप भाइयों ने देखा होगा जब मैं प्रेप पे था तो 10 से 8 अंडे लेता था बॉइल्ड और जूस। तो ये मैं इसीलिए लेता हूँ, मुझे काफ़ी टाइम से आदत पड़ी हुई है कि खाली पेट एक्सरसाइज नहीं होती, खाली पेट एक्सरसाइज करता हूँ तो चक्कर आते हैं, पीपी सल हो जाता है, तो पेट भर के एक्सरसाइज करता हूँ। अब चलो मिलते हैं आपसे जिम में, दिखाता हूँ कौन कौन आया हुआ है आज, वैसे जिम बंद है फिर भी चलो चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो जिम बंद है, जिम का शटर, और जिम पहुँच गए हैं, तो अपने लिए खाली जिम पीछे से जाएंगे थोड़ा बस वर्कआउट करके, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो वर्कआउट ज़रूरी है अभी थोड़े कुछ दिनों, और इसके बाद आप लोग दिक्कत मत लो, जैसा आप लोगों को बोला था कि PCT ख़त्म होते ही गेनिंग सीरीज चलाएंगे। इस बार मेरा भी कुछ अच्छा टारगेट है अपना वेट अच्छे से गेन करने का, ऑलमोस्ट 8-10 किलो गेन करेंगे 4 महीने में। तो चलो अब चलते हैं वर्कआउट करेंगे। तो भाई करना तो लेग्स का वर्कआउट था, बट टाइम ये भी कहीं जाना है, जो मैच खेलने जाना आपको बताया था, तो शोल्डर का वर्कआउट करेंगे, टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम आप देख सकते हो 9:19 हो रहे हैं, वर्कआउट खत्म करूँगा 30 से 35 मिनट में, और 6 एक्सरसाइज करूँगा सबके 4-4 सेट। तो चलो शोल्डर करेंगे, शोल्डर और बैकवर्ड इसलिए हमारी क्योंकि जल्दी एक्सरसाइज करनी है, इनके 4 सेट करेंगे सेम 5-5 किलो वेट बढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। अरे साहिल भाई है, साहिल आप बताओ सामने से दिखाओ आपने कितना वेट कम किया। 10 kg कितने दिन में? देख लीजिए पहले आपकी हालत कैसी थी और अब कैसी है, सच बताना। जो फैट था भाई, टायर थे बहुत, टायर ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। आप मैं शेयर करूँगा अभी साहिल भाई की पहली फोटोज भी, अभी हमें खाली भाई को ट्रेन करते हुए 1.5 से 1 महीना हुआ, तो 10 किलोमीटर कम कर चुके हैं और पीछे आ चुके हैं, आप ये देखिए। भाई ने इसको वो किया है, देख लो
ये पहले कैसा था भी कैसा हो गया है। वर्कआउट करके अपना वेट वापस रखो, जैसे घर में खाना खाने के बाद प्लेट साफ करते हो, सेम वही वेट के साथ भी। तो भाई लास्ट एक्सरसाइज है अपनी, पहले बार डेट सेवन तक एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग चिन से ज़्यादा खत्म पहले बार से करेंगे। तो भाई वर्कआउट के बाद अपनी बिरयानी और मेरी फेवरेट वाली नॉनवेज प्रोटीन गाड़ी में रखा है। अभी डाइट अच्छे से कंट्रोल में नहीं है, तो जो पेट को मिल रहा है वो जा रहा है। ठीक है, वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ और अच्छा खाना खाएंगे। वैसे तो बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड की हुई है, अवॉइड की हुई है, तो ये अपना प्रोटीन। तो भाई ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और अपोजिट टीम के कप्तान सचिन अवाना और हम नितिन चंदीला दोनों ग्राउंड में खड़े हैं। टीम लेट अभी अपनी भी आ रही है और भाई की भी आ रही है, तो दोनों ग्राउंड का मुआयना कर रहे थे। वैसे हम दोनों एक ही टीम के प्लेयर हैं। हाँ, वैसे आपने में देखा होगा दो तीन ब्लॉग्स में कि हम दोनों एक ही टीम के हमारे कप्तान हैं और हम इनके अंडर में खेलते हैं, बट आज हम अपोजिट हैं दोनों। मेरी खुद की जिम की टीम है और भाई की मेरी टीम है भाई की भी। तो खाना अपना हो गया, आपने देखा बिरयानी खाई। मैं बस इसलिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अपने भाइयों को सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत से भाई देखें कभी मेरे देखते हुए वर्कआउट के बाद बिरयानी खाए, मैं अपने भाइयों को सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरा मन था बिरयानी खाने का इसलिए मैंने खाई। आप लोग दूर रहो, आप लोग अपना बॉयल राइस और बॉयल चिकन ही खाना जो मेरे भाई खाते हैं। ये मैं खाली टेस्ट के उसलिए खा रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से खाया नहीं था, तो कोई भी भाई से कॉपी मत करना। हाँ, टेस्ट में हफ्ते 10 दिन में एक बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीन या चार तीन बॉल 72 रन थे मेरे, 7 छक्के 8 चौके। ओ, ये तो ज्यादा, ये तो ज्यादा हो गए। तेरे करियर, तेरे साल के भी 72 रन है। देख ले क्रिकेट रोज जाके देख भाई, देख जाएगा, देख भगवान की क्या रिकॉर्ड उठा के देख। तो भाई वो फील्डिंग अपनी हामेड है ना पहला ओवर, तो देखो बहुत बड़े बड़े लोग हमारे साथ खेलने आए हुए हैं। मैं आपका इंट्रो कराता हूँ। ये ओलंपिया के सिल्वर मेडलिस्ट अनुज नागर जी, नितिन भाई हमारे मिस्टर इंडिया। तो हम सारे ऐसे ही हैं देख लो। ओ, सचिन अवाना जी हमारे कप्तान बैटिंग करते हुए, हमारे चाचा जी अंपायर लगे हुए हैं। आ जा पवन, ओ तो मैं यहीं आ रहा हूँ, रुको रुको मैं सेट करता हूँ। सो गाइस, एक बहुत भारी नुकसान हो चुका है अनुज भाई ने दो कैच छोड़ते हुए। पैसे दिखाओ, ऐसे ये पहली, ये हमारी टीम तैयार हो रही है। हाँ भाई, भाई तीन कैच और डाइव मार के फील्डिंग में कपड़े। चल झूठ बोला ना ना, आप खाओ मेरी गाड़ी में रखा है बैग। हाँ भाई गुरु जी, हमारी पारी 111 रन पर रुक चुकी है, ओपनर तैयार है, बताओ। ये कोच है, इन्होंने आज बहुत अच्छा स्पेल डाला है। फर्स्ट डाउन कर ले, मैं वो कोई नितिन को तो बने ना होना। मैच खत्म हुआ, मैच जीत गए अनुज भाई पे, हंस रहे थे सारे, उनके हाथ में चोट लगी, अपना भी थोड़ा भारी नुकसान हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट रुकिए, ये देखिए, ये मेरे भी बॉल छप गई और बहुत दर्द हो रहा है इसमें। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत दर्द भी सहना चाहिए। अब घर चलते हैं, घर चल के नहा धो के फिर जो मैंने आपको बताया था एक इवेंट में जाना है, उस इवेंट में चलते हैं। अनुज भाई आ रहे हैं लेने, तो थोड़ा सा लेट हूँ आधे घंटे,
तो देखूंगा रास्ते में कुछ खाने पीने का, रेडी होते हैं फिर वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कौन कौन मिलता है। तो चलो, तो भाई घर जाने से पहले भूख लगी थी तो एक ये लिया है बादाम मिल्क और एक चीज़ और ऑर्डर करी है। वो खा के घर जाके नहा के कपड़े पहन के फिर भाई आएंगे, उनके साथ चलते हैं, भी दिखाता हूँ एक और चीज़ क्या आ रही है। तो खाने के लिए जियो बस। भाई भूख इतनी तेज लगी थी कि मैं आपको दिखाना ही भूल गया कि आया। ये देखो छोले ये कुलचे आए हुए हैं, एक और मंगाया भी एक्स्ट्रा, दूध ख़त्म और रायता मंगाया, पेट है कीचड़ कर देंगे इसमें। तो मैं खा लूँ, भूख लगी है बहुत तेज़। आप लोगों से रेडी होके मिलता हूँ और अनुज भाई आएंगे फिर बात करते हैं। सो गाइस रेडी हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, 30-35 एक घंटा लेट हूँ पूरा। अनुज भाई वेट कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं, आपको अनुज भाई से मिलाता हूँ फिर। चलो तो अनुज भाई आ गए भाई। हाँ सुतवा गए भाई, आज सुतवा का हूँ, नितिन भाई ने सुबह सुबह टैग लगवा दिया। ठीक है भाई का हाथ मजा आएगा भाई, मैच भी जीत गए भाई के हाथ में लग गई, मेरे पैर में लग गई और हम ऑलरेडी अब एक घंटा लेट है दोनों। भाई भैया इंतजार कर रहे हैं हमारा, हमने एक घंटा पहले कह दी, बस पांच मिनट आगे, पर अभी हम घर से निकले हैं बिल्कुल दोनों। तो देखो कितना एक घंटा पहुंचने में लगेगा और जो गालियां पड़ेंगी वो अलग है, वो सुनाएंगे नहीं, वो पर्सनल होनी चाहिए ना कुछ। तो चलो दिखाते हैं वहाँ पे कौन कौन है। Till I get out.